चांदी का बर्तन मांझ रही होती है, तभी बारिश होने लगती है। बारिश शुरू हो गई है, मुझे जल्दी से इन लकड़ियों को उठाकर घर के अंदर ले जाना होगा। ये कहकर लाचार गर्भवती बहू लकड़ियों की भारी गठरियों को उठाकर घर में ले आती है। हे माँ दुर्गा, पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है। आह माँ! अंबिका दर्द में तड़प रही होती है, तभी उसकी सास कादम्बरी वहाँ आती है। क्यों रे बहू रानी, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? माँ जी, मैं बर्तन धो रही थी। ज्यादा बहाने मत बना, चार बर्तन घिसने में इतना वक्त लग गया। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैं तुझ करम जली को बहू बना कर लाई। इतने सालों में भी तू मुझे एक पोता नहीं दे सकी, बल्कि दो बेटियों का बोझ बढ़ा दिया इस घर पर। चल अब जल्दी से खाना बना, समझी? जी माँ जी। कादम्बरी का अपनी बहू के साथ ऐसा स्वभाव हमेशा से था, इसीलिए कि अंबिका गरीब घर से आई थी। एक कारण ये भी था कि अंबिका को बेटा नहीं था, वो अंदर ही अंदर घुटने और ऐसे दुख झेलने की आदि हो चुकी थी। फिर अंबिका खाना बनाने लगती है, तभी छत से मिट्टी झड़ने के साथ छत की छप्पर का एक सिरा टूटकर उस गरीब बहू के सर पर गिर जाता है। आह माँ, मेरा सर! दर्द भरी आवाज सुनकर पूजा और राधा भाग कर वहाँ आती है। माँ, तुम ठीक तो हो? दीदी, माँ के सर से तो खून बह रहा है, हमें इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। पूजा भागकर अपने पिता गजेंद्र के पास आती है। पिताजी, माँ के सर से खून बह रहा है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए, वरना माँ मर जाएंगी। अरे मरती है तो मर जाने दो। आई बड़ी माँ की चमची, चल भाग यहाँ से। आप दोनों बहुत बड़े हो, आप माँ को मारना चाहती हो, पर माँ दुर्गा सब देखती है, वो आपको सजा जरूर देंगी। बिट्टे भर की छोकरिया, जरा जुबान तो देखो इसकी, कैसे कैची की तरह चल रही है, अभी बताती हूँ तुझे। ये कहकर खड़ूस कादम्बरी बड़ी ही बेरहमी से बेचारी बच्ची के बाल खींचते हुए उसे मारने लगती है। तभी अंबिका और राधा वहाँ। माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी बच्ची को क्यों मार रही हैं? आपके सीने में दिल है या पत्थर? इंसान से नहीं तो भगवान से डरिए। साली मेरी माँ से जुबान लड़ाती है, निकल मेरे घर से, वरना नहीं तो तुझे और तेरी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फिर गजेंद्र अंबिका को जमीन पर घसीट कर भरी बरसात में उसकी दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर देता है। अजय, दरवाजा खोलिए। माँ जी, मुझ पर नहीं तो मेरी बेटियों पर तरस खाइए, इस बरसात में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी दुर्गा माँ की मूर्ति अंदर छूट गई। नहीं माँ, मैं माँ दुर्गा की मूर्ति ले आई थी, ये लो। गरीब बहू माँ दुर्गा की मूर्ति और अपनी दोनों बेटियों के साथ भरी बरसात में सड़कों पर भटकने लगती है। माँ, हम तीनों कहाँ जा रही हैं? राधा के सवाल पर उस गरीब बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए बस चलती जा रही थी। माँ दुर्गा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास न पैसे है, न रहने का ठिकाना। दया करो माँ दुर्गा, मुझे रास्ता दिखाओ। अंबिका और उसकी बेटियां कई घंटों तक बरसात में भीग रही थी। बरसात के साथ ओले गिरने लगते हैं और एक बड़ा सा टुकड़ा राधा के सर पर लग जाता है और उस बच्ची के सर से खून बहने लगता है। आह माँ, मेरा सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगातार बारिश में भीगने के कारण अंबिका और उसकी दोनों बेटियां ठंड से ठिठुरने लगती हैं। तभी उस गरीब बहू को एक झोपड़ी दिखती है। चलो मेरी बच्चियों, उस झोपड़ी में चलते हैं। अंबिका और उसकी दोनों बेटियों को झोपड़ी में रहते हुए लगभग एक हफ्ता हो जाता है। वो दिन रात माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे बस रोती रहती है। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हे माँ दुर्गा, जैसे आपने मुझ गरीब बहू को सर छुपाने के लिए छत दी है, कुछ खाने को दे दो माँ। अचानक झोपड़ी के बाहर पांच बूढ़ी औरतें आ खड़ी होती हैं। कोई अंदर है क्या? जी, आप लोग कौन हैं? बेटी, हम पांचों माँ दुर्गा की भक्त हैं, बड़ी दूर से आई हैं। मैं दुर्गा हूँ, ये चारों मेरी बहना है, स्कंदा, कांतियायनी,
कालिका और ये महागौरी, बाहर बहुत बरसात हो रही है, क्या तुम हमें अपने घर में जगह दोगी? ये कैसा चमत्कार है, इन पांचों बूढ़ी अम्मा के नाम तो माँ दुर्गा के पांच रूप से मिलते हैं। बेटी तुमने जवाब नहीं दिया, अंदर आ जाएं। हाँ क्यों नहीं अम्मा, आइए ना, मैं भी माँ दुर्गा की भक्त हूँ और एक भक्त ही तो एक भक्त के काम आता है, यहाँ बैठिए। पांचों बूढ़ी औरतें झोपड़ी के एक और बैठ जाती हैं। तभी पूजा फिर कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो ना माँ। बेटी ये लो, हमारे पास थोड़ा चावल और गुड़ है, इससे कुछ बना लो, क्योंकि इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं और फिर तुम्हारी बेटी को भी भूख लगी है। गरीब बहू उस चावल और गुड़ को हाथ में लेकर कहती है, माँ दुर्गा को गुड़ की खीर का भोग सबसे ज्यादा पसंद है, वही बना लेती हूँ। ये बोलकर वो गरीब गर्भवती बहू माँ दुर्गा के गीत गुनगुनाती हुई थोड़े से चावल और गुड़ से खीर बनाकर माँ दुर्गा की मूर्ति को भोग लगाकर पांचों बूढ़ी अम्मा को भी देती है। ये लीजिए अम्मा, आप सब भी खाइए। बेटी तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, मेरे हाथों से खा लो। पांचों औरतें एक एक करके अम्बिका को खीर खिलाती हैं और सभी पुले बिछाकर सो जाती हैं। तभी अचानक बारिश और तूफान से झोपड़ी की छत ढहकर अम्बिका के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो दर्द में कराहने लगती है। आह माँ मेरा बच्चा, आवाज सुनकर पांचों औरतें जाग उठती हैं। अम्मा कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना अम्मा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। घबराओ मत बेटी, बस माँ दुर्गा पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर बूढ़ी दुर्गा गरीब अम्बिका के पेट पर हाथ फेरती है, जिससे उसका दर्द बंद हो जाता है। बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अम्मा, मगर इस बरसात ने हमसे ये आसरा भी छीन लिया, अब मेरे साथ आप लोगों को भी बारिश में भीगना पड़ेगा। चिंता मत करो बेटी, बारिश थम जाएगी, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, सो जाओ। ये कहकर बूढ़ी महागौरी गरीब बहू को अपने गोद में सुलाकर उसे अपने आंचल की ओर से बरसात से बचाती है। वहीं दुर्गा कालिका स्कंद और कात्यायनी भरी बरसात में लकड़ियां काट कर घर बनाना शुरू करती हैं। सुबह जब अम्बिका की आंख खुलती है तो वो खुद को एक सुंदर से घर में देखती है। माँ देखो हमारा नया घर, इसे अम्मा ने बनाया है, अच्छा है ना? हाँ बेटी बहुत अच्छा है। अम्मा आप पांचों मुझ गरीब बहू की झोपड़ी में बरसात में ठहरने के लिए आई थी, मैं आपकी मेहमान नवाजी ना कर सकी, बल्कि बदले में आप पांचों ने मुझ गरीब बहू के लिए एक खूबसूरत आशियाना बना दिया, आप सभी मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? बस ये समझ लो बेटी कि माँ दुर्गा ने इस बारिश में हम पांचों को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, जब तक ये बरसात का कहर नहीं थम जाता हम पांचों तुम्हारे साथ यहीं रहेंगी। उन दिनों एक भी पल के लिए बारिश नहीं रुकती, पांचों बूढ़ी औरतें लकड़ियां काट कर घर लाती तो वहीं अम्बिका भी उन्हें खुशी के साथ खाना बनाकर खिलाती और धीरे धीरे अपनी गुजरी गम भरी जिंदगी को भुलाकर खुश रहने लगी। और उस रात भरी बरसात में अम्बिका को प्रसव पीड़ा उठा। आह माँ मेरा बच्चा। चलो बहनों आज हम पांचों को इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। आह माँ हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारना अम्बिका, बस अपने बच्चे के बारे में सोचो जिसे तुम इस दुनिया में लाने जा रही हो। माँ मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हर औरत के अंदर एक दुर्गा होती है, अपने अंदर की दुर्गा को पहचानो बेटी। अम्बिका लगातार माँ दुर्गा का नाम लेती है। आखिरकार पांचों औरतें भरी बरसात में उस गरीब दुखियारिन बहू का बच्चा इस दुनिया में ले आती है और फिर देखते ही देखते वो पांच औरतें माँ दुर्गा के पांच रूपों में बदल जाते हैं। घबराओ नहीं बेटी,
मैं माँ दुर्गा और मेरे पांच अवतार अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने कठिन परिस्थिति और बरसात के कहर में भी माँ दुर्गा पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तुम्हारे अंदर माँ दुर्गा के प्रति बड़ी भक्ति को देखकर हम हर्षित हुए, इसीलिए तुम पुत्रवती हुई हो। ये हमारा आशीर्वाद है कि तुम सदा खुश रहो। ये कहकर पांचों देवियां गायब हो जाती हैं, जिसके बाद अंबिका वहां पड़े पैरों के छाप पर माथा टेक कर कहती है, मेरा मन बार बार कहता रहा कि ये माँ दुर्गा ही थी। आपकी पांच रूपों के दर्शन को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया माँ। इसी के साथ गरीब बहू की ये कहानी यहीं खत्म होती है।